के पास। ध्रुव तारा के इस अनोखे स्टोरी में एक नया रोमांचक मोड़ आ चुका है। अब वो आप पूछेंगे कैसे भैया, तो आपको पता है कि महारानी तारा के पीठ पर एक स्टार का निशान था पहले, और वो जो स्टार का निशान है वो ध्रुव बहुत ही अच्छे से पहचानते थे। तो उस वक्त ये जो स्टार का निशान है ध्रुव को दिख गया जिस वक्त वो चंद्रा के लिए नमक लेकर आ रहे थे, और चंद्रा ने कुछ इस तरह का बीज सूंघ लिया था जो कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ताकि ध्रुव उसे छू ना पाए। इसलिए चंद्रा ने वो बीज जो है वो सूंघ लिया था और उसको कपकपी आ गया था, क्योंकि चंद्रा किसी और से प्यार करती है और ध्रुव के साथ वो नहीं रहना चाहती है। और अपकमिंग क्रोमो की माने तो भैया ध्रुव जो है बेवड़े बन गए हैं, पी के लुढ़क गए हैं इधर उधर, और सभी लोग इसको देख के हैरान हो जाते हैं। और जब ये राजमहल तक बात जाती है तो इनके पिता कहते हैं हमारे समधी आने वाले हैं, और उनको पता चलेगा कि उनका दामाद पी के नशे में लुंड है तो वो क्या सोचेंगे। उस वक्त तारा भी ध्रुव के पास आती हैं, कहती हैं कि जेंटलमैन बाबू चलो यहाँ से, लेकिन ध्रुव कहते हैं तुम मेरी सितारा हो। तारा कहती है कि नहीं, मैं आपकी कोई सितारा वितारा नहीं हूँ, आपकी शादी हो चुकी है। अब तारा को ये बहुत अच्छे से पता है कि ध्रुव के साथ उसकी शादी हुई है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दारी ने उससे वचन मांगा था। वे आगे आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक साथ निभाने के लिए आपका धन्यवाद।